हमारी ये खूबसूरत धरती जहाँ पर मौजूद हैं करोड़ों की तादाद में खूबसूरत जानवरों और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, खूबसूरत वर्षावन और गॉर्जियस आइलैंड्स, हमारा फर्ज है प्रकृति की दी गई इन खूबसूरत चीज़ों को संभाल कर रखना। लेकिन आज भी हम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे और हमारी इसी लापरवाही के कारण ग्लोबल वार्मिंग और मैन मेड डिजास्टर्स के चलते आज कई जानवरों और पंछियों की प्रजातियां लगभग लुप्त हो चुकी हैं, जो आज केवल किताबों, म्यूजियम और टेलीविज़न शोज में ही देखने को मिलती हैं। ऐसे ही हमारी धरती पर कुछ प्राकृतिक और खूबसूरत जगहें भी मौजूद हैं जो बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के चलते आने वाले 100 सालों या उससे भी पहले इस धरती से पूरी तरह गायब हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसी ही जगहों के बारे में। द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के साथ साथ इस जगह को 7 नेचुरल वंडर्स में से भी एक माना जाता है। यहाँ इस खूबसूरत नीले पानी में मछलियों की लगभग 1500 प्रजातियाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ यहीं पाई जाती हैं। यहाँ पानी के अंदर मौजूद कोरल्स में जू थैले नाम की एल्गी भी रहती है और इनका यहाँ मौजूद होना ही पानी के अंदर के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से कलरफुल बना देता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ग्लोबल वार्मिंग और कोरल ब्लीचिंग की वजह से पिछले 27 सालों में 50% रीफ गायब हो चुकी हैं और एक अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा आने वाले 20 सालों में और तेजी से बढ़ेगा। द सुंदरवन, इंडिया एंड बांग्लादेश। बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित 7,900 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ सुंदरवन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र और भारत और बांग्लादेश का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है। यहाँ आज भी बंगाल टाइगर दहाड़ते हुए बेफिक्र होकर घूमते हैं, लेकिन लगातार बदलती जलवायु और धरती के बढ़ते तापमान के कारण सुंदरवन के सामने एक खतरा मंडराने लगा है। समंदर के बढ़ते जलस्तर की वजह से खारा पानी सुंदरवन के पेड़ पौधों को बर्बाद कर रहा है। सुंदरवन के कई इलाके बढ़ते हुए तापमान के कारण बंगाल की खाड़ी में बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हुए हैं। यही हाल बांग्लादेश का भी है। अगर ऐसा हुआ तो सुंदरवन का एक हिस्सा लगभग खत्म हो जाएगा। इन जंगलों में अवैध रूप से होने वाली पेड़ों की कटाई और इन जंगलों के अंदर तक अवैध रूप से होने वाले कंस्ट्रक्शन से भी इन जंगलों का क्षेत्रफल लगातार घटा है और शायद यही वजह है कि आज इन जंगलों में रहने वाले टाइगर यहाँ किनारों पर बसे गांवों में चले जाते हैं। हमें समझना होगा कि जंगल और टाइगर का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे जंगल और बारिश का। अगर दोनों में से एक का भी अनुपात बिगड़ा तो पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ना तय है। ऐसे में अगर आज मैंग्रोव जंगलों का कोई भी हिस्सा खत्म होता है तो निश्चित तौर पर इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। फ्रेंच जोसेफ ग्लेशियर, साउथ आइलैंड, न्यूजीलैंड। फ्रेंच जोसेफ ग्लेशियर को वेस्ट कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड में स्थित बाकी ग्लेशियर्स का रत्न भी कहा जाता है। इस खूबसूरत ग्लेशियर को अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। यहाँ ऊंचाई पर मौजूद समशीतोष्ण जंगलों के बीच में स्थित यह ग्लेशियर समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई से होता हुआ नीचे 787 फीट तक फैला हुआ है। यह एकमात्र ऐसा अल्पाइन ग्लेशियर है जो दुनिया में सबसे कम ऊंचाई पर समाप्त होता है। लेकिन डराने वाली बात है कि ये ग्लेशियर सन 2000 के बाद से लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं और अब तक इनका औसतन 38% तक का हिस्सा कम हो चुका है और अब तक इसने अपना 25% लैंड एरिया भी खो दिया है। इन्वायरमेंटलिस्ट के अनुसार आने वाले 100 सालों में ये ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, साउथ अफ्रीका। अमेजॉन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो लगभग
1.4 बिलियन एकड़ के विशाल एरिया में फैला हुआ है। ये रेन फॉरेस्ट इतनी दूर तक फैला है, इसका अंदाजा बस आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये आधे ब्राजील को कवर करता हुआ बाहर और भी कई दूसरी कंट्रीज जैसे बोलेविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला तक फैला हुआ है। दुनिया की 20% बर्ड स्पीसीज यहाँ अमेजॉन में मौजूद हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये खूबसूरत अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ये रेन फॉरेस्ट अगले आने वाले 50 सालों में इस अर्थ से पूरी तरह गायब हो सकता है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग और माइनिंग, ये सारी चीज़ें इस खूबसूरत रेन फॉरेस्ट को नष्ट करती जा रही हैं। ग्लेशियर नेशनल पार्क, यूनाइटेड स्टेट्स। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है, इस दुनिया में मौजूद ग्लेशियर्स के लिए भी खतरा उतना ही मंडरा रहा है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के ग्लेशियर नेशनल पार्क को ही देखें तो सन 1990 के बाद यहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। यहाँ एक समय 150 एक्टिव ग्लेशियर्स हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या घटकर केवल 25 रह गई है। पिछले 165 सालों में हमने 125 ग्लेशियर इस दुनिया से खो दिए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पिछले कुछ सालों में कितनी तेज़ी से बढ़ा है और हमारे इस खूबसूरत अर्थ को बर्बाद करता जा रहा है। साइंटिस्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स के ग्लेशियर नेशनल पार्क के लिए जो अनुमान लगाया है वो काफ़ी डरा देने वाला है। उनके मुताबिक इस पार्क के सारे ग्लेशियर्स जो इस पार्क के मेन अट्रैक्शन हैं वो 2030 तक पूरी तरह गायब हो जाएंगे। मडागास्कर रेन फॉरेस्ट। अफ्रीका के पूर्वी तट के नज़दीक स्थित और लगभग 144 मिलियन एकड़ एरिया में फैला मडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। फ्लैट टेल्ड गेकोज, टोमेटो फ्रॉक्स और कोमेट मॉथ्स, ऐसी ही लगभग 75% और ऐसी यूनिक प्रजातियां हैं जो केवल यहाँ के ही जंगलों में मौजूद हैं और दुनिया भर में ये और कहीं भी नहीं पाई जाती। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि मेडागास्कर में अभी भी कई ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिन्हें अब तक खोजा नहीं जा सका है, और आशंका और डर इस बात का है कि कहीं ये प्रजातियां खोजे जाने से पहले ही विलुप्त ना हो जाएं। वेनिस, इटली। वेनिस इटली का एक खूबसूरत शहर जिसे नहरों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पर मौजूद जलमार्ग और इनके ऊपर बने हुए शानदार पुल टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यहाँ के नहरों का पानी ही शायद इस ऐतिहासिक शहर को बर्बाद कर दे। वैसे तो इस खूबसूरत शहर में पानी का स्तर सदियों से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी स्पीड 5 गुना तक बढ़ चुकी है, और शायद इसी वजह से पिछले कुछ सालों में यहाँ कई बार बाढ़ भी आ चुकी है। अगर आप भी इस खूबसूरत और रोमांटिक शहर को देखना चाहते हैं तो जल्द ही देखाएं, क्योंकि क्या पता आने वाले कुछ सालों में शायद इस ऐतिहासिक शहर का हाल और भी बुरा हो जाए। पेंटागोनियन आइस फील्ड्स। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ठीक बाद पेंटागोनियन का नाम दुनिया के लार्जेस्ट आइस फील्ड्स में आता है। ये खूबसूरत आइस फील्ड बाकी प्लेसेस की ही तरह ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहा है। साइंटिस्ट ने कुछ चौंका देने वाले आंकड़े हमारे सामने रखे हैं, जिसके हिसाब से तो यही लगता है कि हम आने वाले 50 सालों में इस खूबसूरत प्लेस को खो देंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ के 90% माउंटेन ग्लेशियर पिछली 3 सदियों के मुकाबले इस समय 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से पिघल रहे हैं। इन बीते 5 सालों में दर्जनों ग्लेशियर लेक्स लगभग गायब हो चुके हैं। ताजमहल, इंडिया। पत्नी मुमताज महल की याद में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया ताज आज भारत के सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में से
और साथ ही साथ आज इसकी गिनती दुनिया की शानदार इमारतों में भी होती है। लेकिन ये इमारत आगे आने वाले कितने सालों तक सेफ है यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। इस खूबसूरत इमारत को आज हम इंसानों और प्रकृति दोनों से ही खतरा है। गर्मी के दिनों में इस इमारत के पास में मौजूद सूख चुकी यमुना नदी से उड़ने वाली रेत और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की ओर से आने वाली धूल भरी हवाएं इस स्मारक को बेरंग कर रही हैं और इसकी खूबसूरती पर धब्बा लगा रही हैं। साथ ही इस इमारत को देखने के लिए यहां पर पहुंचने वाले टूरिस्ट की बहुत अधिक संख्या भी प्रदूषण की वजह बन गई है। वहीं आगरा में ताजमहल के आसपास मौजूद फैक्ट्रियां और तेल रिफाइनरी के कारण सफ़ेद संगमरमर से बनी ये खूबसूरत इमारत साल दर साल पीली पड़ती जा रही है। हाल ही में हुए एक रिसर्च के मुताबिक वर्ष 1985 में आगरा में लगभग 40,000 गाड़ियां थीं, जिनकी संख्या अब लगभग 8,00,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से यहां एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, जिससे ये खूबसूरत इमारत बदरंग होती जा रही है। हालांकि अब इस इमारत को बदरंग होने से बचाने के लिए इसे ट्रीटमेंट भी दिया जाने लगा है, लेकिन ये सब करके हम कब तक ताजमहल को बचा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अगर हम ये सब करके कुछ हद तक ताज को सुरक्षित भी रख लेते हैं, लेकिन आतंकवादियों द्वारा दी जाने वाली इस इमारत को उड़ाने की धमकियाँ, ये सारी बातें और इस इमारत को सुरक्षित रखना हमारे लिए एक चैलेंज है और यही चीज़ें तय करेंगी कि हम ताजमहल को कब तक सेफ रख पाते हैं। द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जो अभी भी आम लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर है और यहां आपको ज़्यादातर साइंटिस्ट या फिर इस जगह को एक्सप्लोर करने वाले लोग ही मिलेंगे। नॉर्थ पोल, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने केवल सुना या पढ़ा ही है कि यहाँ की बर्फ बहुत ही तेज़ी से पिघल रही है, जिससे ये जगह जगह से एक लेक की तरह बनता जा रहा है। अगर आप इस फ्रोजन वंडर वर्ल्ड को देखना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, क्योंकि बाद में क्या पता ये जगह पूरी तरह से गायब हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं।